क्या सोच रहा है? जा मत जा, जिम मिस हो जाएगा, उसकी मत सुन, तू जा। तू डिजिटल मार्केटर है, तेरे सारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। मनाली छोड़ दोगे? मनाली छोड़ दो भैया, मनाली मनाली। कितने पैसे भैया? पर हेड आ जाएगा भैया 8 से 10 हज़ार। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। मन में आए जाने का तो जाने का, देखना नहीं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो भाई पहला फ्यूल टैंक हो रहा है हमारा, ठीक है। अभी आगे आपको दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं कहीं पे, और आपको दिखाते रहेंगे मजे से सीन आगे का, क्या हमारा क्या बनता है क्या नहीं बनता। हमारा भाई बंदर बैठा हुआ है, इसे बोल रहा हूँ ये भी व्लॉग बना ले, लेकिन भाई टोल पे, ये अपना टोल है, देख रहे हो आप पीछे टोल है। अभी थोड़ा वो सामान ले रहे हैं, चखना ले रहे हैं चखना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का सीन दिखाते हैं आपको, आगे का क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बाकी बढ़ते रहो, मिलते रहो ब्लॉग के अंदर। पानी पीते हैं अभी, पानी आपसे आगे। और नहाए तो है नहीं भाई, तो जज मत करना। अभी वहाँ पे जाके होटल जाके नहाएंगे, ठीक है। अब सुबह उसमें निकल के रैंडम प्लान बना हमारा। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं मोहाली। मोहाली में अभी हम ढूंढ रहे हैं भाई एक छोटा सा ढाबा जहाँ पे हम थोड़ा सा पेट लिया कर सकें। अभी थोड़ा सा होल्ट लिया है, गाड़ी है खड़ी, अभी टॉयलेट कर रहे हैं सारे। नेचर को जरूरी है, तो पेट्रोल पंप पे रुके हैं अभी। पेट्रोल पंप पे अभी बाथरूम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको जर्नी दिखाएंगे आगे ही क्या है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। बाकी ढाबा ढूंढ रहे हैं, सबसे मेन ढाबा मिलता है खाना खाएंगे, क्योंकि पेट पूजा सबको लग रही है भूख। उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। तो स्टेडियम गाइड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। बाकी आई थिंक दो व्लॉग आएंगे, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन। ओके गाइस, मिल गया ढाबा, अभी ढाबे पे खाएंगे खाना भाई। एक एक ढाबे कर करके हम स्किप कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली रोक लिया। अपने साथ टीम में भाई शिवम भाई हैं, शिवम भाई के भैया और भैया के दोस्त, हम चार बंदे जा रहे हैं मनाली उल्लाघाट। अरे मैंने तो लोकेशन बताई नहीं अपने ब्लॉग में भी। नहीं भैया, मनाली जा रहे हैं और मोहाली क्रॉस कर चुके हैं। मोहाली से हम 10-15 किलोमीटर आगे आ गए, अब मिला है ढाबा, ठीक है। तो अब ढाबे पे बढ़िया सा खाना खाएंगे और आगे का सीन कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट कर देना। ओके तो भाई, ये अब तक का सबसे बेकार ट्रिप है हमारा। बेकार क्यों? क्योंकि मैं अभी घर में बैठा हूँ अपने, और हमारा ट्रिप हो गया कैंसिल। अब हुआ क्या, 2 मिनट में समझाता हूँ। यहाँ से हम गए थे 4 जने, मैं, मेरे एक दोस्त शुभम, उसका भाई, उसके भाई का दोस्त, हम 4 जने गए थे। एंड हम लास्ट, आपने क्लिप देखी ना ढाबे की, तो यहीं से हमने यू टर्न कर लिया था। सीन क्या हुआ, जो उनके भैया हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी मम्मी जी का, मतलब हमारी आंटी, उनका पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ी से गिर गए। तो उनका फ़ोन आया, तो हम अंदर खाना कर रहे थे, तो वो बाहर बात कर रहे थे, तो हम बाहर गए तो पता लगा ऐसे ऐसे सीन हो गया। तो हमने पूछा कि भाई क्या हो गया, कितना लग गई क्या लग गई, क्योंकि उनके भाई भी हैं, उनके पापा भी हैं, तो वो हॉस्पिटल में थे उनके साथ। तो हमने फिर भी पूछा कि अगर नॉर्मल हैं, ओके हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से यू टर्न करते हैं और दिल्ली जाते हैं, मतलब जिस हॉस्पिटल में वो हैं। तो फिर पता किया, फ़ोन उठा नहीं रहे थे वो। फिर बाद में पता लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गई आंटी के, और भाई एज मैटर करती है ना। फिर वहाँ से मतलब ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, वहाँ से खाना ही खाया था, हमने यू टर्न किया और दिल्ली आ गए। मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम कवर कर चुके थे, मोहाली के आगे आ चुके थे हम। जहाँ तक मुझे याद है ना, 280 किलोमीटर पे तो मैंने नोट किया था कि 280 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, और 280 के बाद 5-6 किलोमीटर और चले होंगे, हमारा ढाबा मिल गया था। तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर वापसी आए, और रात को हम आए थे, 11:30 बज गए थे हमें वापसी आते हुए। और क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, तो गाड़ी काफ़ी तेज चला के ले गए। तो यही था अब तक की सबसे बेकार ट्रिप। व्लॉग पूरा नहीं बन पाया, जाते घूमते अच्छे खासे, वो है ना सीन भाई, डेविल और एंजल वाला। एंजल ने मना किया था नहीं जाना, हम फिर भी गए। तो बाकी बनेगा आगे प्लान, तो हम बताएंगे आपको।
दोबारा घूमने जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कुछ व्लॉग बना नहीं लेकिन फिर भी।